हेलो एवरीवन, आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लॉजिकल फंक्शन का एंड फंक्शन डिटेल में समझेंगे। इस सीरीज में मैं आपको लॉजिकल फंक्शंस एक एक टॉपिक वाइज डिटेल में समझा रहा हूँ, जहाँ पे मैं इफ़ फंक्शन, नेस्ट इफ, एंड और, नॉट, इफ़ एरर सारे फंक्शन डिटेल में समझा रहा हूँ। मैंने इफ़, नेस्ट इफ समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में, वो आप पहले की वीडियो में देख सकते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एंड फंक्शन। मेरे पास यहाँ पे बेसिकली कुछ डेटा है जिसके अंदर मैं आपको एंड फंक्शन समझाऊंगा। इफ़ फंक्शन मैंने आपको समझाया था, एंड फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें इफ़ फंक्शन के अंदर दो से ज़्यादा या दो से तीन, चार, पांच कंडीशंस लगानी होती है। जैसे कि मैं समझाता हूँ, मुझे अगर दो कंडीशन चाहिए कि अगर कोई नंबर 40 से ज़्यादा है तो ट्रू और 40 से कम है तो फॉल्स, लेकिन अगर मुझे चार पांच कंडीशन लगानी है कि अगर 40 से कम है तो फेल, 60 से ज़्यादा है तो पास, 100 से ज़्यादा है तो डिस्टिंक्शन। और देखो, जैसे कि मैं अपनी कुछ दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा कंडीशन लगाऊंगा, जैसे कि अगर किसी के नंबर किसी टेबल में या किसी भी स्कूल में देखो इस तरह से हैं कि 0 से 40 के बीच में है तो वो फेल माना जाएगा। किसी के नंबर 40 के इक्वल या 60 से कम है, मतलब 40 से 60 के बीच में है तो वो पास माना जाएगा, और किसी के 60 से 100 के बीच में है तो उसको डिस्टिंक्शन मिलेगी। लेकिन क्योंकि हमारे एग्जाम में टोटल नंबर 100 ही होते हैं, 100 से ज़्यादा नंबर नहीं होते हैं, तो अगर किसी के नंबर या तो 0 से कम हो गए या 100 से ज़्यादा हो गए तो वो इनपुट जो होगा वो इनवैलिड दिखा देगा कि ये गलत इनपुट आपने डाल दिया, आपने मार्क्स दोबारा से चेक करो, जिससे कि हमें अपनी टेबल में या अपने रिजल्ट निकालने में कोई गलती करने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं पास या फेल या डिक्लेयर करने में किसी भी टेबल में या किसी भी एक्सेल शीट में। तो फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। जैसे कि मुझे टोटल मार्क्स चेक करने हैं यहाँ पे 45, 0 से बड़ा और 100 से छोटा, मतलब 100 और 0 के बीच में होना चाहिए, तभी ये कुछ एरर हमें देगा या मतलब तभी ये हमें कुछ रिजल्ट देगा, एरर नहीं देगा। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। इज इक्वल टू इफ़ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और अपनी कंडीशन लगाएंगे, 100 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो ये D2 जीरो से बड़ा है, या फिर कोमा लगा के हम दोबारा D2 को सेलेक्ट करेंगे, या D2 इज लेस देन और इक्वल टू 100। तो ये यहाँ पे कंडीशन आ गई, वैल्यू इफ ट्रू। जैसे मैं कोमा लगाऊंगा, शिट गड़बड़ हो गई, D2 या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, और उसके बाद मुझे दोबारा इफ फंक्शन के अंदर एक और इफ फंक्शन लगाने पड़ेगा। मैं यहाँ पे इफ लगाऊंगा और फिर से ब्रैकेट लगाऊंगा और फिर से दोबारा मुझे ये सेल सेलेक्ट करनी पड़ेगी लॉजिकल टेस्ट के लिए, और उसमें मैं लगाऊंगा कि D2 की वैल्यू जो है वो या तो 100 से बराबर है या 100 के कम है, मतलब 100 से ज़्यादा नहीं है। और जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करूंगा तो हमारी एक वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू इफ ट्रू। लॉजिकल टेस्ट हमने यहाँ पर लगा दिया। जैसे मैं कोमा लगाऊंगा तो ये वैल्यू इफ ट्रू देगा कि अगर ये वैल्यू 0 से 100 के बीच में है तो मुझे ये देगा पास, इसको मैं कैप्स स्मॉल में कर दूंगा, डबल कोटेड के अंदर पास, और अगर ये 0 से 100 के बीच में नहीं है, या तो 0 से कम है या 100 से ज़्यादा है, तो ये मुझे देगा डबल कोटेड में फेल, इनवैलिड। तो ये डबल कोटेड में मुझे इनवैलिड वैल्यू देगा, और जैसे मैं डबल कोट बंद करके ब्रैकेट बंद करता हूँ तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला सेट हो गया। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, कुछ गलत हो गया। तो देखो ये पास दिखा रहा है क्योंकि 0 से 100 के बीच में इसकी वैल्यू है। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए फॉर्मूला लगा के दिखाया कि हम कैसे फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब मैं इसको 100 से 105 कर दूंगा तो ये इनवैलिड दिखाएगा। देखो मेरी वैल्यू 100 से बड़ी हो गई, या मैं इसको -1 कर दूंगा तब भी इनवैलिड या फॉल्स दिखाएगा। तो ये है एंड फंक्शन, जो कि मैं आपको टेबल में लगा के दिखा दूँ। टेबल में ये कैसे लगता है, हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू इफ़, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, फिर अपना लॉजिकल टेस्ट लिखेंगे। इसकी वैल्यू अगर 0 से 40 के बीच में है, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या कोमा लगा के दोबारा से इफ़ ब्रैकेट में D5 की वैल्यू इज लेस देन 40, अगर 40 से कम है तो मुझे क्या आंसर चाहिएगा, तो मुझे आंसर चाहिएगा डबल कोटेड में फेल, क्योंकि इसके नंबर रह गए 40 से कम,
उसके बाद कोमा लगा के दोबारा इफ फंक्शन लगाएंगे और दोबारा अपना फॉर्मूला डालेंगे, इफ मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है, 40 से बड़ी है, दोबारा कोमा लगा के दोबारा इफ फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और लेस देन 60 है, मतलब 40 से बड़ी है और 60 से कम है। इफ मार्क्स की वैल्यू लेस देन 60 है, मतलब 40 से बड़ी है और 60 से कम है, तो कोमा लगा के मुझे आंसर मिलेगा पास, डबल कोटेड के अंदर पास। बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा, आप धीरे धीरे देखते रहिए, आप सीख जाएंगे जैसे जैसे मैं करूँगा। पास के बाद हम दोबारा कोमा लगाएंगे, अगर फिर दोबारा से इसकी वैल्यू चूज करेंगे, इफ़ फंक्शन के अंदर ब्रैकेट लगाएंगे, अगर इसकी वैल्यू 60 से बड़ी है और 100 से कम है, अगर मार्क्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन 60 या फिर इफ दोबारा से इफ फंक्शन लगाएंगे, मार्क्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100, मतलब 60 से बड़ी है और 100 के नीचे नीचे है, मतलब 60 से 100 के बीच में है, तो मुझे मिलेगा डिस्टिंक्शन, डबल कोटेड के अंदर मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं कोमा लगा के लिखूंगा, वैल्यू इफ ट्रू डबल कोटेड में डिस्टिंक्शन डबल कोटेड क्लोज, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे मिलेगा इनवैलिड, इनवैलिड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वैल्यू इफ फॉल्स इनवैलिड। ये देखो कितना बड़ा फॉर्मूला होगा, जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इनवैलिड लिख के, और जैसे मैं डबल कोट के अंदर INVALID, क्योंकि मुझे डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा कोई भी टेक्स्ट, और मैं जैसे इसको क्लोज करूंगा तो हमारा इफ फंक्शन क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फॉल्स आ गया ना, फॉल्स तो आना ही चाहिए था, इनवैलिड के बाद हमें 2, 3, 4 ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, और जैसे हम ब्रैकेट लगाएंगे तो वो हमारी वैल्यू पूरी करेगा। क्योंकि हमने 4 इफ फंक्शन लगाया तो हमको 4 ब्रैकेट से इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो ये क्लोज हो जाएगा, और जैसे मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा, ये देखो पूरा फॉर्मूला इसमें कॉपी पेस्ट हो जाएगा, मैं इसको ऊपर भी ले सकता हूँ, इसको मिटा देते हैं और इसको ऊपर ही ड्रैग डाउन कर देते हैं। फोर्टी फाइव को फॉल्स क्यों बता रहे हैं? तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 101 कर देता हूँ, देखते क्या बताते हैं। पास बता दिया इसने, शिट गलत हो गया तो यार। तो यहाँ पे कट लगेगा,